नमस्कार साथियों, वाजपेयी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका वाजपेयी। साथियों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं 1 तारीख को लाइव आने वाली थी, बस किसी कारणवश नहीं आ पाई। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं जरूर DRDO के पेपर में एक बार बीच में लाइव आऊंगी, जब तक हमारा फर्स्ट टायर की जो सीरीज चलेगी 5 तारीख से लेकर 6 तारीख से ना 6 तारीख से लेकर के जो भी हमारी सीरीज चलेगी वो 11 तारीख तक का, जब तक हमारा एग्जाम है, ये आपको मिलते जाएंगे। इस तरीके से नोट्स इस तरीके से हम लोग पढ़ते जाएंगे और उसके बीच में ही हम लोग एक बार लाइव मिलेंगे। और ऐसे करके फिर हम लोग चैप्टर वाइज, अगर UPPCL में अभी टाइम लग रहा है एग्जाम आने में, तो हम लोग UPPCL के एक एक पेपर सॉल्व करेंगे। वो मेरी थोड़ी लंबी सीरीज होगी, जैसे 150 क्वेश्चन है तो 50-50 क्वेश्चन की होगी। हर पेपर हम 2014 से लेकर पेपर को उठाना स्टार्ट करेंगे, और 2014 से लेकर अब तक UPRVNL और UPPCL के जितने भी पेपर हुए हैं हम लोग उन पेपर को समझेंगे विथ न्यूमेरिकल एंड थ्योरी। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 1000 प्राथमिक वर्तन वाले परिणामित, मतलब होता है ट्रांसफार्मर। जैसे क्वेश्चन पेपर में दे रखा गया था मैंने वैसे ही नोट कर दिया है। 1000 प्राथमिक वर्तन वाले ट्रांसफार्मर को प्राय, मतलब सप्लाई जो दी जाती है 250 वोल्ट AC सप्लाई से जोड़ा गया है, एक द्वितीयक वोल्टेज में 400 वोल्ट से जोड़ा गया है, और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक वर्तन होनी चाहिए। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सेकेंडरी के टर्नों की संख्या। ऑप्शन दे रखे गए हैं 1600 वोल्ट, 250 वोल्ट, 400 वोल्ट और 1250। मैंने यहाँ पे वोल्ट नहीं लिखा है, ये सब वोल्ट में ही है। द्वितीयक वर्तन में पूछ रहा है, वैसे ये वर्तन पूछ रहा है टर्नों की संख्या। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमें क्या क्या मिला है। यहाँ पे देखिए NP बराबर, हमें NP दे रखा है, NP बराबर हमको दे रखा गया है यहाँ पर 1000। उसके बाद 250 वोल्ट मतलब VP प्राइमरी में जो वोल्टेज दे जा रही है वो दे जा रही है 250 वोल्ट। और क्या दे रखा गया है, द्वितीयक में वोल्टेज जो VS, सेकेंडरी में जो वोल्टेज दे जा रही है, दिख रहा है ना साथियों, दो तो इसमें दे रखी है 400 वोल्ट। और हमसे अब द्वितीयक के टर्नों की संख्या, मतलब हमसे अब NS पूछ रहा है, NS का मान। साथियों, ये ट्रांसफार्मर रेशियो का फॉर्मूला लिखा हुआ है NS अपॉन NP, VS अपॉन VP और IP अपॉन IS। यहाँ पर आई टर्म से कुछ भी नहीं पूछा गया, इस फॉर्मूले को उतना हम छुपा देंगे। और हमसे इतने का मान 3 का दे रखा गया और हमसे पूछा गया, अब हम फॉर्मूले में इसको रखते हैं। तो NS हमसे पूछा जा रहा है, NS बराबर हमसे पूछा जा रहा है, NP कितना दे रखा गया है 1000। उसके बाद देखिए VS का मान कितना है 400 और VP का मान कितना है 250 वोल्ट। अब इसको हम पक्षांतर कर लेंगे तो कैसे करेंगे, NS 400 1000 बटे 250। अब इसको निकाल लो, 25 चौको 100, तो 4 बार गया, 4 चौको 16, तो कितना आ गया साथियों 1600। जो टर्नों की संख्या है 1600 इसमें होना चाहिए, ऑप्शन ए हमारा सही है। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया, कुछ नहीं किया गया इसमें, क्वेश्चन पढ़ना है क्या क्या दे रखा गया उसको हमने उस फॉर्मूले में रख दिया और सॉल्व किया और हमारा आपको ऑप्शन मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ट्रिक आर्मेचर कुंडलन, मैंने इसको इंग्लिश में भी लिख दिया, ट्रिपल आर्मेचर वाइंडिंग में ब्रश खंड खंड और खंडों में संपर्क करेगा, मतलब इसमें कितने संपर्क होते हैं। ट्रिपल आर्मेचर वाइंडिंग में ब्रशों के जो खंड होते हैं, सेगमेंट होते हैं, वो कितनों को टच करेगा, वो सेगमेंट कितनों को टच करेगा। तो देखिए इसमें क्या दे रखा गया, ऑप्शन में 1 2 3 4। ठीक है, तो पहले हम एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, अगर आपसे ये पूछ लेता ब्रशों की संख्या, तो ब्रशों की लैप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग में लैप दो प्रकार की बाइंडिंग होती है हमेशा,
हमेशा दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, चाहे वो मोटर में दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, उसके आर्मेचर पे लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग जो होती है उसमें ए बराबर पी होता है, मतलब जितने भी पोल दे रखे गए होंगे उतने ही ए का मान उतना ही, अगर चार पोल है तो ए का मान चार होगा। और वेव बाइंडिंग में क्या होता है, आर्मेचर का मान जो ए का मान होता है पांच जो होते हैं वो दो। देखिए कैसे वेव बाइंडिंग हमारी हमेशा ऐसे चलती है, वेव ऐसे चलती है ना तरंगे, तो कितने पाथ हो गए, एक पाथ ये एक सिरा ये हो गया कि ये, तो इसमें ए बराबर दो रख देते हैं। और लैप में क्या होता है, लैप हमेशा पैरेलल में होती है इस तरीके से, तो ए बराबर पी रख देते हैं। ठीक, तो इसमें ए बराबर दो, इसमें ए बराबर पी। व्रतों की चौड़ाई अगर पूछ लेता है कि व्रतों की चौड़ाई के बारे में, तो फ्लक्स की संख्या के बराबर जिसमें कि कम्यूटेटर को संपर्क कर सके। अगर व्रतों की चौड़ाई के बारे में पूछता तो फ्लक्स संख्या के बराबर, किसी को कुछ भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा और मैं टेलीग्राम पे आपको उसका आंसर दे दूंगी। ओके, अब इसमें हम मेन क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। यदि सिंप्लेक्स वाइंडिंग होती है तो एक सेगमेंट को टच करता है, यदि डुप्लेक्स वाइंडिंग पूछता है तो दो सेगमेंट को टच करता है, यदि ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे तीन सेगमेंट को टच करेगा। मैंने तीनों बता दिए। यहाँ पर हमसे पूछा गया ट्रिप्लेक्स आर्मेचर वाइंडिंग में ब्रश खंड कितने को संपर्क करेगा, तो ट्रिप्लेक्स है तो कितने को करेगा, तीन को करेगा, आंसर तीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ ट्रेजडी होने की वजह से मैं आपको बार बार ये वीडियोस नहीं रेगुलर पहुंचा पाई, इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ। लेकिन मैंने अभी तक जो भी बना रखे हुए हैं मैं आपको उसको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, पर प्लीज आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग 11 तारीख तक हमसे बिल्कुल जुड़े रहिए, जब तक का DRDO का एग्जाम है उसमें अगर आप ये सब भी पढ़ते चलेंगे ना तो आपको UPPCM में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन है, यदि किसी समानांतर प्रतिरोधक परिपथ में से एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समानांतर परिपथ में से एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस में क्या असर पड़ेगा, कि वो कम हो जाएगा, बढ़ेगा, समान रहेगा या आधा हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ऐसे ही मान लेते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट स्टेज का मानते हैं, मान लीजिए हमने चार रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया, चारों को मैंने पैरेलल में जोड़ दिया और चार में पैरेलल में जोड़ने के बाद मैंने एक एक रेजिस्टेंस को मान लिया, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये वाला भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का है, ये 10 ओम का है। ठीक है, अब आपको पता है कि क्या होता है इसका टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, RT इक्वल टू क्या होता है, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। सारे का LCM ले लिया, कितना आया LCM, सबको LCM लेके टोटल यहाँ पे जब इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर LCM लेके 10 LCM आएगा और ऊपर जोड़ के आ जाएगा 4। हमको RT बराबर निकालना होगा तो कितना आया, कितना आएगा 10/4, तो इस टोटल का मान कितना निकल के आ गया, 2.5 ओम निकल कर आ गया। अब तो ये मैंने एक कंडीशन जान ली, यदि किसी समानांतर प्रतिरोध परिपथ में से एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो हमने ऐसे अमोन चार लेके देख लिया कि इतना आ रहा है। अब हम यही मान कर रखते हैं लेकिन इसमें से एक को हटा देते हैं, सेकंड स्टेज हम क्या करते हैं तब देख लेंगे क्या प्रभाव पड़ा। इसमें मैंने क्या किया, 10 ओम का एक है, 10 ओम का एक है, 10 ओम का एक है, ठीक है, 10 ओम का तीन, ये 10 ओम के हो गए, एक हटा दिया मैंने। अब देखते हैं क्या होगा, तो अब कितना होगा भैया, 3/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां तक का अगर हम सॉल्व करते हैं 1/10। अब हम इसको RT में परिवर्तित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/3, नहीं समझ में आया, अगर हम सेम इसको लेंगे तो हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, ये ऊपर के तीनों जुड़ गए, 10 LCM ले लिया तो ये लिख दिया मैंने 3/10। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, कितना आएगा, ये लगभग आएगा 3.33333 समथिंग करके आएगा, ओम आएगा। तो ये देखो इससे इसमें क्या परिवर्तन आया, ये 2.5 ओम था और ये 3.33 ओम, मतलब कि ये बढ़ गया,
इसमें ऑप्शन क्या दे रखा गया है, कम होता है, बढ़ता है, कि समान रहता है, कि आधा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, बढ़ता है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, यदि किसी समानांतर प्रतिरोध वाले परिपथ में से एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, ऑप्शन था कम होता है, बढ़ता है, समान होता है, आधा हो जाता है। तो हमने एक मान के देख लिया, हमने 10-10 ओम के चारों लगाए, उनको सॉल्व किया, तो हमारा निकल के आया 2.5 ओम। और उसके बाद ये सीरीज में हमने फिर इसमें से सॉरी एक हटा के रखा, तीन लगा के देखे, तो तीन को सॉल्व करके हमने देखा कि बढ़ता है, तो हमने ऑप्शन लगा दिया बढ़ता है। इसमें जो सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला है ये मेरे फर्स्ट वीडियो में पड़े हुए, मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं है, मैंने अभी ही स्टार्ट करा है, तो आप उन सबको भी देख लीजिएगा, वो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार सारे वीडियो 27 वीडियोस अभी तक होंगे, उसमें से शॉर्ट वीडियो एक एक दो दो मिनट के चार पांच वीडियो है, फिर 15-15 मिनट के, आप सारे वीडियोस को एक बार प्लीज देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। एक आप पतली सी कॉपी बना लो, उस कॉपी में आप इसको करते चलो, नोट करते चलो, क्योंकि जब भी आप एग्जाम देने कहीं दूर जाते हैं ना तो बहुत सारी बुक्स लेके नहीं जाते, और नोट जब कॉपी में रहता है तो बहुत इजीली होता है पढ़ना, समझ में आता है। लोग सोचते हैं फोन पे तो है मैं पढ़ लूंगा, फोन पे तो है मैं पढ़ लूंगा, मैं स्मार्ट तरीके से पढ़ूंगा, लेकिन नहीं, आप जब लिख के पढ़ते हो ना, तो मैं बार बार बोलती हूँ ऑर्गन्स बहुत तेजी से काम करते हैं, उन्हें आप भूलते नहीं है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 30 ओम 15 ओम श्रेणी में 4.5 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, तो 15 ओम प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। मतलब 3 ओम पहले हम इसका डायग्राम बनाते जाते हैं, क्या क्या दे रखा गया है, एक रेजिस्टेंस 30 ओम का है, दूसरा है 15 ओम का रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में जुड़े हैं, ठीक है, सीरीज में हमने दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद बोल रहे हैं इसमें वोल्टेज ड्रॉप बतानी है आपको, एक बैटरी से कनेक्टेड है, ये बैटरी का सिंबल, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ये सब भी देखते चलिएगा, ठीक है, इस तरीके से बड़ा वाला प्लस माइनस करके ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, और ये बैटरी कितने वोल्ट की बता रखे, 4.5 वोल्ट का है, और एक रेजिस्टेंस है 30 ओम का, दूसरा है 15 ओम का, और पूछ रहा है 15 ओम प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप बताइए, ये जो 15 ओम है ये कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, मान लीजिए ये V1 है तो ये V2 है, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, और इसमें ऑप्शन दे रखा है 5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट और 2 वोल्ट, तो हम लोग पहले तो सीरीज में इसको सॉल्व करेंगे। सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2। फॉर्मूलों की लिस्ट आपको जल्दी मिल जाएगी, हो सकता है कल वाले वीडियो में मिल जाए आपको, फर्स्ट चैप्टर से लेकर। तो देखिए R1 R2 तो कितना है, RT बराबर कितना निकल के आएगा, 30 और 15 जोड़ देंगे हम, 30 और 15 कितना हुआ 45, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल आया इसमें, 45 निकल आया, 45 ओम रेजिस्टेंस इसमें निकल आया। अब देखिए हमें वोल्टेज ड्रॉप के लिए करंट निकालनी पड़ेगी, करंट का मान, करंट बराबर क्या होता है ओम्स लॉ में, I इक्वल टू V अपॉन R, तो V का मान कितना है 4.5, और R का मान कितना निकाल लिया आप लोगों ने अभी, कितना है R का मान, 45। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, 0.1 एम्पियर। अब इसने पूछा है कि वोल्टेज ड्रॉप बताइए, वो भी इसमें, तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या जाएगा, अगर हमें V2 का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, R2, क्योंकि इसको मान लेते हैं हम R1 है ये वाला, और ये वाला R2 15 का, तो हम क्या निकालेंगे, V2 बराबर कितना हो जाएगा, I का मान कितना निकल के आया, 0.1 मल्टीप्लाई बाई R2, R2 का मान कितना है 15 ओम, 15 वाले का ही पूछ रहे हैं ना, 15 ओम का, और हम इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के कितना आ जाएगा, 1.5 वोल्ट। तो भैया ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। इसमें हमने क्या क्या किया फिर से देख लेते हैं, इसमें पूछ रहा था 30 ओम और 15 ओम को सीरीज में लगे हैं, 4.5 बैटरी से कनेक्ट किया गया है, और 15 ओम का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा।
तो मैंने आपको क्या बताया, देखिए मैं दोनों ओम को हमने लगा दिया, सीरीज में लगा दिया 30 और 15 को, उसके बैटरी से कनेक्ट कर दिया 4.5 से, और जो ड्रॉप कर रहा था ये वाला, क्या किया दोनों को सीरीज में पहले निकाला, जोड़ के निकाला, क्या आया 45 ओम। फिर इसका आई का मान निकाला कि इसमें कितनी करंट बह रही है, करंट ये क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि हमको पता था कि ड्रॉप का फॉर्मूला निकल कर क्या आएगा, अगर V2 निकालना है तो क्या होगा I, I का मान जरूरत है, इसलिए हमने I निकाला, I इक्वल टू V अपॉन ओम्स लॉ से निकाला, सॉल्व किया और ये आ गया। ठीक है, एक बार इसको बार बार रुक रुक के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, बल्कि जब DRDO देने जा रहे हैं तो मैं समझती हूँ इतने लेवल तक तैयारी है लोगों को, कितना समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नहीं आता कोई बात नहीं, हम लोग आने वाले टाइम पे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। और साथियों हमारा ऑफलाइन बैच चलता है मॉर्निंग में 8 to 10, तो जो भी कानपुर के लोग हैं, मैं कानपुर से हूँ, जो भी कानपुर के लोग हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी लड़कियां हैं उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई है, और जो भी हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके लिए मैं बुक्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत की मात्रा क्यू का चार्ज निकालने का सूत्र। ऑप्शन दे रखा गया है क्यू बराबर करंट इंटू टाइम, क्यू बराबर करंट बटे टाइम मतलब ऑब्लिक में टाइम, क्यू बराबर करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, क्यू बराबर वोल्ट इंटू टाइम। तो फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बता दिया क्यू बराबर आई इंटू टी, तो फॉर्मूला क्या हो गया क्यू बराबर करंट इंटू टाइम, तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया। और कूलाम का मात्रक क्या, सॉरी चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। मैंने दोनों चीज यहाँ बता दी, इस फॉर्मूले को रट लेना। मैं आज ऑप्शन के सहित लाई हूँ क्योंकि इससे थोड़ा सा आपको समझ में आया कि ऑप्शन कैसे दे रखे गए हैं। साथियों बहुत ही दिमाग से आपको पढ़ने की जरूरत है, बहुत दिमाग से मैं ऑप्शन भी देती जा रही हूँ। एक्चुअली वर्कलोड ज्यादा है, मैं खुद भी UPPC और मैं सिलेक्टेड हूँ, इससे पहले मैं JUBNL में थी, ऑर्डिनेंस में थी, ये सारे पेपर्स में मैंने इस बार पेपरों का वो नहीं लिखा कंटेंट, कि मैंने ये कंटेंट यहाँ से उठाया है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि इस पेपर में पूछा गया है, लेकिन ये सारे पेपर से पूछे क्योंकि अभी मैं सिर्फ पेपर का बंडल लेके बैठी हूँ, सिर्फ पेपर ही पेपर कराने की कोशिश कर रही हूँ कि उससे जो चीज मतलब, जैसे मैंने देखा बहुत सारे पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन है, उसका एक क्वेश्चन उठा लिया कि इससे छोटे छोटे क्वेश्चन लड़के हमारे कर लेंगे। ठीक है, ये एक फॉर्मूला उठा लिया, इससे रिलेटेड 8-9 है तो इससे आप कर लोगे, इसलिए एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1.5 वोल्ट के 6 सेल सीरीज में जुड़े हैं लेकिन एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा है तो कुल वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी। मतलब 1.5 के 6 सेल सीरीज में जुड़े हैं लेकिन एक क्या है उल्टा जुड़ा हुआ है, तो हमें वोल्टेज हमारा पूछ रहा है क्या होगा। ऑप्शन दे रखा गया 6.06 वोल्ट, 7.5 वोल्ट, 9.0 वोल्ट और 12.0 वोल्ट, मतलब 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, 7.5 वोल्ट और 6 वोल्ट। तो देखिए हम इसे कैसे करते हैं, 1.5 वोल्ट के 6 सेल सीरीज में जुड़े हैं, जोड़ देते हैं सीरीज में, ये बैटरी का सिंबल अभी अभी मैंने आपको बताया, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, कितने हो गए, वन ये प्लस होता है ये माइनस होता है, तो कितना हो गया 1.5 वोल्ट का एक सेल, ये हो गया 2, 3, 4, 5 और दूसरा क्या बोला इन्होंने, एक विपरीत में जुड़ा है। ठीक, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ठीक है धीरे से बोर्ड ओड वाला सिस्टमैटिक करूंगी तब उसमें पढ़ाऊंगी आगे। अब देखिए इसमें जोड़ लिया मैंने, कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गए, 6 हो गए ना ये 6 में। अब देखो इसको बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 15 वोल्ट के 6 सीरीज में जुड़े हैं तो 15 × 6 = 90 हो गया, 9 वोल्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, बोला एक विपरीत में जुड़ा है, तो ये वाला प्लस माइनस तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये वाला प्लस माइनस में है तो प्लस प्लस माइनस माइनस कैंसिल होता है ना, प्लस माइनस कैंसिल वाला, तो उस तरीके से कैंसिल कर दिया। अब कितने बचे 1, 2, 3, 4, यहां पर लिख के देख लेते हैं, 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट,
1, 2, 3, 4, 5 और ये वाला कितने जुड़ा है माइनस में 1.5 वोल्ट, तो प्लस माइनस कट गया, कितना निकल के आ गया 6.0 वोल्ट, तो ऑप्शन ए सही हो गया। भैया ये उल्टा लगा हुआ है तो ये माइनस में है, प्लस माइनस आपने पढ़ा होगा टेंथ में, ये कैंसिल हो गया, प्लस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, कैंसिल के बाद ये निकल के आ कितने बचे, 4 बचे, 15 चौको 60, ये आ गया 4। ठीक है, आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 एम्पियर करंट मतलब 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड प्रवाहित होने को कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी आगे आपको इसी में करवाया है, देख लीजिए कितने बारीकी से चीजों को पूछते, किस तरीके से पूछते हैं। 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में प्रवाहित को क्या कहते हैं, बहुत लोगों ने मुझे इकाई बताया था, और मैंने भी जब ये वाला एग्जाम दिया था तो मैं भी यूनिट लगाकर ही आई थी, बट इसका आंसर क्या है, कूलाम है, बहुत टेंथ में है, लेकिन माइनर माइनर सी गलतियां होती हैं, इसलिए आप लोग बहुत दिमाग में बहुत छोटी छोटी चीजें गलत करके। अभी हमारे यहाँ जो बैच में लड़के पढ़ रहे थे UPRVNL के एग्जाम में, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी, इतनी माइनर माइनर मिस्टेक करके आए हैं लोग वहां पे ऑप्शन क्लिक करते टाइम पे। आप बहुत पेशेंस से एग्जाम दीजिएगा, लोग आपको बहुत भीड़ दिखेगी वहां पे, बहुत दिखेगा, लेकिन वो भीड़ बहुत सारे लोग ऐसे ही आते हैं, और आपको पता है कोविड में ITI में क्या लड़कों ने किया है, सबके ITI ऐसे ही हुए, इसलिए बिल्कुल डरिएगा नहीं, है ना। देखिए 1 एम्पियर करंट तो मैंने लिख दिया 1 एम्पियर, कितने 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में तो आपको पता ही है चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q = I × T, तो किसका, और अभी मैंने पीछे आपको चार्ज का फॉर्मूला भी बता दी, उसका मात्रक भी बता दिया क्या होता है, कूलाम। तो आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों आप लोग को डेफिनेशन भी पढ़ने की बहुत जरूरत है, ये देखिए क्वेश्चन है वो पूरा डेफिनेशन से, दिल्ली मेट्रो का क्वेश्चन है ये वाला। किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग 0 के बराबर होता है, यह कथन किस नियम का है, मतलब कि डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे, कितने तरीके से पूछा गया है। किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का मतलब ड्रॉप वोल्टेज मतलब खपत का योग 0 के बराबर है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ का। करंट लॉ क्या होता है, आने वाली करंट तथा जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग 0 होता है, वो होता है करंट लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ तो होती यदि यदि किसी सर्किट यदि किसी परिपथ की भौतिक अवस्थाएं समान रखी जाएं तो उसमें बहने वाली धारा वोल्टेज के समानुपाती तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये था वो ओम्स लॉ का नियम। उसके बाद कूलॉम्स लॉ का, वो हम लोग बार बार ये देखो ऊपर देख ही रहते, Q = I × T, तो आप समझ ही जाओगे 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड प्रवाहित होने को ही हम कूलॉम लॉ कहा जाता है। तो समझ लीजिए दोस्तों, देखिए दोनों आपको डेफिनेशन से, लेंज लॉ जो भी मैग्नेट में है, लेंज लॉ म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे, मतलब जो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है, हेनरी किसकी यूनिट है, हेनरी क्या है, इन सब चीजों को भी बारीकी से देख लीजिएगा। देखिए मेरी आपको वॉइस मिलेगी, उस वॉइस में आप सोचिएगा मैडम ने हेनरी कहा था, तो हेनरी में देख लेता हूँ या जो भी है देख लेती हूँ, है ना, इस तरीके से आप लोग उसको देखते चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फिर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिरोध के मान में प्रति डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध का नियम, यांत्रिक उष्मीय समान, या प्रतिरोध का ताप गुणांक। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ, प्रतिरोध का ताप गुणांक कहते हैं प्रतिरोध के मान में प्रति डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन को। अब आपको विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं ये पढ़ना होगा, इसकी डेफिनेशन पढ़नी होगी। प्रतिरोध का नियम क्या होता है, तो आपको पता ही है फॉर्मूला R = ρL/A, उससे आप जान लोगे। और यांत्रिक उष्मी का नियम ये हमारे इसमें नहीं है, टेंथ में है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग प्लीज ये सारी जितनी भी आप डेफिनेशन इसमें मिल रही है उसको आप कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का संधि संरक्षण नियम किस पर आधारित है, किरचॉफ का संधि संरक्षण नियम किस पर आधारित है, तो देखिए किस पे है, ये आवेश पर आधारित है। और मैंने यहाँ दोनों बताया, किरचॉफ जो वैज्ञानिक थे इन्होंने 2 नियम दिए थे, KCL और KVL। KCL जो है साथियों वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, ठीक है, और जो KVL है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों पेपर में आए हुए, मैंने इसीलिए एक ही जगह लिख दिया,
समझ लीजिए ऐसे एक पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं, डीएमआरसी में 75 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 120 आते हैं, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आपके कम हो गए। मैंने बहुत इस पे वो करी है, स्टडी करी है क्वेश्चन कलेक्ट करने में, एक एक क्वेश्चन 8-8, 7-7 बार पूछा गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को हम आपके पास पहले लेकर आए हैं, इसलिए बहुत आहिस्ते से सारे क्वेश्चन आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। जिसका भी एग्जाम, आज मेरे पास सुबह कॉल आई थी, उनका एग्जाम पटना में, तो कम से कम यहाँ से पटना तक का 3 बार उस कॉपी को पढ़ लो, बहुत ज्यादा नहीं है। और हम लोग को टेक्निकल में सिलेक्शन बहुत जल्दी होते हैं, नॉन टेक सिलेक्शन में बहुत कॉम्पिटिशन है, लेकिन टेक में आपको बहुत कम, केवल 26 चैप्टर पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस सीरियसली थोड़ा सा दिमाग से पढ़ना है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन में कौन से अस्तित्व लगते हैं, कौन अस्तित्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, मुक्त जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या है, वो कंडक्शन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंडक्शन पे बैंड रखते हैं, ठीक है। तो सी, इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगी। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप गुणांक का मात्रक क्या है, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से ऑप्शन में बताइए, ताप गुणांक का मात्रक क्या है। ऑप्शन दे रखा गया है डिग्री प्रति सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस, ओम डिग्री प्रति सेल्सियस, या ओम प्रति डिग्री सेल्सियस। देखिए मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे सॉल्व करके निकालते हैं। तो देखिए क्या है, अल्फा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बराबर आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये इसका फॉर्मूला है। थोड़ा सा बढ़ा लूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करीब हो गया था इस वजह से मैं नहीं बढ़ा रही थी इसको, ठीक है। तो आर नॉट हो गया, अब देखिए आर नॉट आर टी, आर आर का फॉर्मूला प्रतिरोध का क्या होता है, ओम, नीचे क्या हुआ, ओम इंटू क्या हुआ, टेम्परेचर का प्रति डिग्री सेल्सियस, ओम से ओम कट गया, क्या निकल कर आया, प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, बी वाला, आ गया समझ में आपको, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलते हुए लैंप का सर्किट कहलाता है, कोई लैंप अगर जल रहा है ऑन पोजीशन पे है तो वो सर्किट कहलाता है, क्या सर्किट कहलाता है, बंद, ऑप्शन में दे रखा गया बंद सर्किट कहलाता है या बंद सर्किट कहलाता है, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट या लीकेज सर्किट। तो देखिए इसमें पहले तो हम बनाते हैं इसको, मान लीजिए ये एक स्विच है, ठीक है, यहां पर ये फ्यूज का सिंबल लगा दिया मैंने, फ्यूज हो गया, फिर यहां पर ये बैटरी से कनेक्ट है, बैटरी से इसको जोड़ दिया, सिंबल्स भी देख लीजिएगा, मैंने उधर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सिंबल बताए हैं, एक लोगों ने मुझे लिखकर भेजा उसमें मैसेज में कि पता नहीं क्या पढ़ा रही है मैम, ये इतना आसान था, कहीं पूछते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, अभी UPRVNL का क्वेश्चन है, इसमें जीनल डायोड कई सारे सिंबल वही पूछे गए हैं। भैया मेरा कुछ भी उद्देश्य नहीं है तुम लोगों से कुछ लेने का, बस मेरा यही मैं चाहती हूँ तुम सब सिलेक्टेड हो जाओ, मेरे बहुत सारे पढ़ाए हुए साथी हमारे तक UPRVNL में ही जॉब कर रहे हैं, UPPCL में जॉब कर रहे हैं, रेलवे में जॉब कर रहे हैं। तो ये प्लस माइनस, ठीक, अगर ये स्विच लैंप जलता होगा तो इसका मतलब ये इस तरीके से होगा, तो मतलब अगर ये जल रहा है तो कैसा सर्किट है, क्लोज सर्किट कहलाएगा, ठीक है। जलते हुए लैंप का सर्किट कैसा होगा, क्लोज होगा, अगर ये ओपन होगा तो लैंप जलेगा नहीं, अगर सॉल्ट होगा तो करंट। इसमें मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूँ, उसको नीचे आप पॉइंट बना के नोट कर लो। एक क्वेश्चन ये बहुत आते हैं, लिख लो, पहले तो ये लिख लो, क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट में क्या होता है, करंट सामान्य, रेजिस्टेंस सामान्य, ये आपको दिख रहा है सर्किट बंद है, करंट भी सामान्य बह रही है और रेजिस्टेंस भी। अगर ओपन सर्किट होता है तो ओपन सर्किट में क्या होता है,
करंट क्या होती है, जीरो होती है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, अनंत होता है। ठीक, अगर यही बात दिख रहा है ना भैया, अगर यही बात शॉर्ट सर्किट में आ जाए, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट अनंत होती है। इसको ध्यान से देख लेना, आप पेपर बिल्कुल करीब लगा हुआ है, क्या पूछ ले कुछ पता नहीं। आर रेजिस्टेंस जीरो होता है शॉर्ट सर्किट में, करंट जो, अगर शॉर्ट सर्किट क्या होता है, खूब तेजी से करंट की जाती है, तभी तो हमारे घर के सब कुछ फ्यूज हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो ये शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट अनंत हो जाती है, रेजिस्टेंस वहां पर शून्य हो जाता है। और लीकेज सर्किट में क्या होता है, ये दोनों जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, लीकेज और शॉर्ट में ही बच्चे को वो समझ नहीं पाते हैं। इसमें लीकेज में क्या होता है, लगातार सामान, इसमें भी सामान है, रेजिस्टेंस भी इसका लगातार सामान है। ठीक है, हो गया। तो आज हम आपको ये इतना ही बता रहे हैं क्वेश्चन, अभी हमारा सेकंड वीडियो भी हो सकता है आपको जल्दी मिल जाए, रात तक का मैं आपको दे दूं, हम्म, तो मैं दोनों वीडियोस हम लोग इसको कर लेंगे, जल्दी जल्दी मिलते जाएंगे। जो अभी हमारा बीच पे गैप हुआ है वो गैप नहीं होगा, और जितने लोग भी हैं, और टेलीग्राम चैनल पे हमारा वो मैंने वैकेंसी डाल दी है, सेल की वैकेंसी आई है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी आई हुई है, उस पर मैंने नोटिफिकेशन डाल दिया है, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। और नोटिफिकेशन डाला है, 10 तारीख लास्ट डेट है, NPCIL की वैकेंसी आ गई है, न्यूक्लियर पावर की, वो भी भर दीजिएगा आप लोग। किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है फॉर्म भरने में, फीस की प्रॉब्लम होती है, अगर मेरा बजट अलाउ करेगा तो हम आप लोग की उसमें भी मदद करेंगे, बतरते आप लोग जुड़े रहिए, लगे रहिए जो भी जहां है, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके संग साथी हैं। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, सबको शेयर करो, और किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, मेरा नंबर, मैं एक दूसरा नंबर लेने वाली हूँ, एक्चुअली विभागीय नंबर है, तो उससे ही मैं काफी तंग आ जाती हूँ, तो मैं वो आपको नंबर अपडेट कराती हूँ, टेलीग्राम पे डालूंगी, तो आप लोग उस पर मेरे से कॉल पे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और जिसका भी सेंटर कानपुर में पड़ा हो DRDO का, तो प्लीज अगर किसी को कुछ रहने की कोई दिक्कत हो, कुछ वो भी हो, तो वो बताइएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।